श्रीलंका नहीं कर सका तो बांग्लादेश ने कर दिया, मतलब भारत को हरा दिया। ये भारत का लास्ट सुपर फोर लीग मुकाबला था और इस मैच में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब देख ही रहे 266 भारत चेज कर रहा था, अंत तक आप आ गए, लेकिन हुआ ये है कि आप 259 रन ही बना पाए, यानी कि आप 6 रन से इंडिया ने बांग्लादेश से हार देख ली है। अब इस हार की बड़ी बात यह है कि इसमें कोई बल्लेबाजी नहीं चला, आपने सिर्फ एक शुभमन गिल का 100 निकाल दें या नीचे आपके अक्षर पटेल के वो 42 रन निकाल दें तो किसी बैट्समैन ने मौके का फायदा नहीं उठाया। आज भारत ने विराट को आराम दिया, हार्दिक पांड्या को आराम दिया, आपने सूर्य कुमार यादव को मौका दिया, तिलक वर्मा को मौका दिया, लेकिन दोनों ने उन मौकों को जाया किया। ईशान किशन भी नहीं चले, रोहित शर्मा 0 पर आउट हुए और आज केएल राहुल का बल्ला भी नहीं चला। लेकिन एक और फेलियर जो आने वाले दिनों में भारत को परेशान कर सकता है अगर आप वर्ल्ड कप के लिहाज से देख रहे हैं, वो है रविंद्र जडेजा। जडेजा भी आज नहीं चले और नीचे आके अक्षर पटेल ने, शार्दुल ने थोड़े से रन बना दिए, लेकिन अंत में भारत को ये आखिरी लीग मुकाबले में 6 रन से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि फाइनल भारत खेलेगा, परसों ही खेलेगा, श्रीलंका के साथ खेलेगा। कई सवाल है आज जो इस हार से जरूर निकलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो भारत ने बांग्लादेश को 59 आउट से रिकवर करने का मौका भी दिया। उसके बाद जिस तरह का भारत बीच में बैटिंग कर रहा था, वहां आकर भारत एंड में मौके बुला नहीं पाया, यानी कि 100 ओवर के इस खेल में बांग्लादेश नीचे से ऊपर आता रहा और भारत मुट्ठी खोलता ही रहा। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर किस तरह रोहित शर्मा तो 0 पर आउट हो गए थे, तिलक वर्मा जो आज पहला वनडे मैच खेल रहे थे, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर श्रेयस अय्यर पूरी तरह फिट ना हुए तो भाई तिलक वर्मा को वर्ल्ड कप भी खिला दिया जाएगा, वो सिर्फ 5 रन बनाने में कामयाब रहे। वो कहते हैं ना टोटली एट सी कि क्या इंटरनेशनल क्रिकेट है, वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। केएल राहुल 19 रन 39 गेंदे, ईशान किशन 15 गेंदे 5 रन, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि जो निराश किया है वो है सूर्य कुमार यादव, 26 रन है 34 बॉलों में और वो T20 की तरह प्री मेडिटेटेड शॉट्स मारने के चक्कर में कई बार बीट हुए, कई बार किस्मत अच्छी थी, लेकिन अंत में वो आउट हुए। जडेजा ने सिर्फ 7 रन बनाए और जडेजा का फेलियर उस नंबर पर ये भारत की वर्ल्ड कप की बैलेंस को थोड़ा कमजोर करता है। अक्षर पटेल जिनको खिलाया उनकी बैटिंग के कारण जा रहा है, उन्होंने 34 रन बनाए 34 गेंदों में, 42 रन बनाए, 2 छक्के भी मारे, शार्दुल ने भी 11 रन बनाए, लेकिन एंड में मदन जी ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश जो पूरा एशिया कप इतना फीका खेला है वो इंडिया को आखिरी चपत लगा गया। देखिए विक्रांत हुआ क्या है, देखिए जो अगर आप इंडियन की बैटिंग देखेंगे तो आपने देखा होगा कई सॉफ्ट डिसमिसल हुए हैं। कहते हैं ना कि जो शॉट्स खेले गए हैं ऐसे शॉट बिल्कुल नहीं खेले जाने चाहिए थे, क्योंकि देखिए अगर आप केएल राहुल की बात करें, आप इतना बड़ा 100 बना के आए हो इतनी बड़ी टीम के साथ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होना, आपको मैच जिताना भी आना चाहिए। और दूसरी ईशान किशन है, उनका भी सॉफ्ट डिसमिसल हुआ, और जितने भी सूर्य कुमार यादव, देखिए ये 50 ओवर का गेम है, इसको आपको जब आप बैटिंग करते हैं तो आपको ये भी स्कोर बोर्ड को भी रीड करते रहना चाहिए साथ साथ में, ताकि आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर ना आए। और दूसरे बल्ले जो सेट बल्लेबाज है उसके ऊपर आपने इतना प्रेशर डाल दिया, लास्ट में आकर उसको हिटिंग करनी पड़ी, अगर वो अगर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता तो वो सीधा ही इस मैच को निकाल देते थे। और दूसरी बात जो आपने शुभमन गिल ने तो बैटिंग बड़ी जबरदस्त की, एक शुभमन गिल ने जो बैटिंग की है एक एंड पे, मदन जी उसका कोई मुकाबला ही नहीं था, बल्कि वो उन्होंने 60% रन बनाए थे उस वक्त तक। बड़े विक्रांत क्या है उनके ऊपर, उधर से जो रन है नॉन स्ट्राइकर हैंड से रन नहीं निकल रहे थे, तभी उनको ये शॉट खेलना पड़ा, क्योंकि अक्षर पटेल कोशिश जरूर कर रहे थे, उन्होंने 42 रन जरूर बनाए पर रन निकल नहीं रहे थे। जब रन निकल नहीं रहे होते, जब टारगेट बड़ा होता चला जाता है, कहीं ना कहीं जो सेट बैट्समैन होता है वो सोचता है कि मैं स्ट्राइक करता हूं, मैं चांस लेता हूं, और उसमें आपके आउट होने के भी ज्यादा चांसेस रहता है। दूसरी बात जो आपने सही की कि आप 59 रन पे 4 खिलाड़ी आउट कर दिए थे और उसके बाद आपने 266 रन बनवा दिए इस विकेट के ऊपर। मुझे नहीं पता मदन जी कि इसे क्या कहते हैं। सनी भाई भी आ गए, चलिए खैर रहा सनी भाई, मैं ये नहीं कहूंगा रियलिटी चेक या वेकअप कॉल तब होता है अगर आप नींद में हो, आप सोए हो, लेकिन 59 4 आउट
59 for 4 से हमने उनको रिकवर होने दिया, वो कभी भी हो सकता है। लेकिन आज भारत की फील्डिंग देख लें आप, कैचेस देख लें आप, मतलब एक स्टेज पर ऐसा लग रहा था कि यार ये 50 ओवर फील्डिंग भी करनी पड़ेगी, उसके बाद बैटिंग, ये हुआ क्या रातों रात इस टीम को? देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप जानते हैं कि आप फाइनल में पहुंच गए हैं, तो फिर आपकी तो जो इंटेंसिटी होती है वो कभी कभी थोड़ी सी कम हो जाती है। पर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये हमारी रेगुलर टीम नहीं, आपकी टीम में 5 बदलाव थे, मतलब 5 जो खिलाड़ी थे जो पहले पहले मैचेस में खेले नहीं थे, तो मतलब रिदम नहीं था ना उनके लिए। सूर्य कुमार यादव की बात करें, प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें, शार्दुल ठाकुर को एक मैच पे ड्रॉप किया था, तो जो रिदम बनता है तो रिदम नहीं था, और इसी की वजह से कभी कभी एक अचानक एक दिन में जब आपको मैच खेलनी होती तो फिर थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है। तो मैं इस हार में ज्यादा कुछ नहीं देखूंगा, मैं पॉजिटिव देखूंगा। इस पॉजिटिव है मेरे लिए कि शुभमन गिल ने इतनी अच्छी बल्लेबाजी की, अक्षर पटेल ने भी अच्छे बल्लेबाजी की, और मोहम्मद शमी ने अच्छी गेंदबाजी भी की, तो मुझे मैं ये जो कुछ पॉजिटिव्स है वो लेके फाइनल की बात करूंगा। चलिए सनी भाई, फिलहाल चूंकि वक्त इतना ही है, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।